नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिल्कुल अलग और नए तरीके से अरबी की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम समय में बन जाती है। ये रेसिपी बिल्कुल अलग तरीके की है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखें। इसे आप चपाती परांठे के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन आप इसे चावलों के साथ भी खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगती है। ये बड़ों से लेकर बच्चों तक को बहुत ही पसंद आएगी। तो चलिए इस नई रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हमने अरबी ले ली है, ये 750 ग्राम अरबी ली है। हमने गोल वाली अरबी ली है जो खाने में टेस्टी होती है और ये बहुत जल्दी बन जाती है, अच्छे से गल जाती है। अब कच्ची अरबी है, पहले इसको हम छील कर तैयार करेंगे। हाथों पर मस्टर्ड ऑयल लगा लेंगे जिससे इचिंग ना हो, चक्कू पे भी लगा लेंगे जिससे कि आराम से ये छिल जाए। इसको हम पहले छील कर तैयार कर लेंगे। सारी अरबी को छील लें। हमने सारी अरबी को छील कर तैयार कर लिया है, अब इसको हम काट लेते हैं। मैं इसे गोल गोल काट रही हूँ, इस ढंग से, ना तो ज्यादा मोटा काटे ना ज्यादा पतला। इसी ढंग से मैं सारी अरबी को काटूंगी। मैं एक और बता देती हूँ आपको, इस ढंग से हमने सारी अरबी को काट कर तैयार कर लिया है। मैंने गोल काटा है, आप चाहें तो किसी भी शेप में काट सकते हैं, लंबा भी काट सकते हैं। अभी तक हमने अरबी को वॉश नहीं किया है, हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, क्योंकि अरबी में लेस होती है। नमक डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको ढक देंगे 10 मिनट के लिए। ये 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जो अरबी में लेस आनी शुरू हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करेंगे। हमने अरबी को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया है, ये देखिए अच्छे से वॉश हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक कुकर ले लेंगे, गैस ऑन करेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसे गर्म कर लेंगे। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें डाल देंगे 2 पिंच हींग, 1 टीस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें अजवाइन। अरबी में अजवाइन बहुत टेस्टी लगती है और डाइजेशन का भी बहुत अच्छा काम करती है, ये जरूर डालें। अब इसमें डाल देंगे, मैंने लिया था 1 इंच अदरक का टुकड़ा, उसे पतला पतला लंबा लंबा काट लिया था, वो डाल रही हूँ। 2 से 3 ली थी हरी मिर्ची, उसे स्लिट कर छोटे टुकड़ों में काट लिया था। हरी मिर्ची कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। गैस को स्लो कर लें। अब डाल देंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची है, ये कम तीखी होती है, बहुत अच्छा कलर देगी। 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें जीरा पाउडर, नमक आप स्वाद अनुसार डालें, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। पहले इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दें। हो गया। मैंने लिए थे 2 टमाटर, उनको मिक्सी में पीस लिया था, वो डाल रही हूँ। अब मसाले को, टमाटर को अच्छे से पका लें ऑयल सेपरेट होने तक। ये देखिए ऑयल सेपरेट हो चुका है, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें अरबी भी डाल देंगे। अब अरबी को भी हम मीडियम गैस पर इसमें भून लेंगे, मसाले में अच्छे से चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए। ये हो गया। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, ये पिसी हुई कसूरी मेथी है, 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून डाल देंगे गरम मसाला और थोड़ा सा डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी, ग्रेवी कम ज्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करते हुए तेज गैस पर उबाला आने देंगे। ये उबाला आ गया, अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे, हाई मीडियम फ्लेम पर 2 विसल लगाएंगे, कम गैस पर 2 मिनट तक पकाएंगे और कुकर को ठंडा करके खोलेंगे। कुकर ठंडा हो चुका है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम अरबी चेक करेंगे, ये गल गई है। हाँ, अरबी अच्छे से गल चुकी है। अब इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैंने लिया था 1 नींबू, उसका रस निकाल लिया था, वो डाल रही हूँ। अगर आप नींबू ना डालना चाहें
तो हाफ टी स्पून इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से मिक्स कर दें। थोड़ा सा और डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ये अरबी बनकर तैयार है। अब इस ढंग से अरबी बनाएंगे, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी और सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।